नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिनभर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लगाई याचिका, पत्नी के सामने कराना चाहते हैं मेडिकल। 19 जून को जुडिशियल कस्टडी होगी खत्म। अमूल के बाद अब पराग ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम, 1 लीटर पर 2 रुपए की कर दी है बढ़ोतरी। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी, सीबीआई जांच को लेकर भी मांगा जवाब, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। सिक्किम में लैंडस्लाइड से हुई 6 लोगों की मौत, कई हुए लापता, वहीं पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे। उज्जैन में सट्टाबाजों से 15 करोड़ कैश किया गया जब्त, मिली 3000 गड्डियां और 7 देशों की करेंसी। नोट गिनने के लिए पुलिस को मंगानी पड़ी मशीन। आग से जले कुवैत से 45 भारतीयों के शव कोची लाए गए, केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। मृतकों में 23 केरल, 3 यूपी के लोगों की हुई पहचान। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को बताया अहंकारी, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने दिया जवाब, कहा हमने राम के नाम पर राजनीति नहीं की। लुलू समूह के प्रमुख ने कुवैत में हादसे के शिकार हुए मृतक भारतीयों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। सोना एक बार फिर 72,000 के नीचे आया, जो 71,890 प्रति 10 ग्राम बिक रहा। वहीं चांदी भी 200 रुपए घटकर 90,500 रुपए किलोग्राम पहुंची। तो ये थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मोदी सरकार में हरियाणा से 3 सांसदों को कैबिनेट में स्थान मिलने पर मनोहर लाल ने पीएम मोदी और भाजपा संगठन का धन्यवाद किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों में बेशक कुछ कमी रह गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये कसर पूरी कर देंगे। हरियाणा में अगली सरकार हम बनाएंगे। साथ ही मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव का पसीना सूखने ना दे, ये विधानसभा में काम आएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हमारे एक पक्ष को बहका लिया, संविधान बदलने को लेकर उस पक्ष को झूठ बोला गया है, हमें विधानसभा चुनाव में उस पक्ष को समझाना है। और साथ ही कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने का झूठा प्रचार कर रही है। हरियाणा में पिछली बार पंजाब क्षेत्र में बांध टूटने से जाखल के जरिए फतेहाबाद जिले में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। वहीं घग्गर नदी में ज़्यादा पानी होने पर रंगोई नाले में पानी डाला जाता है। वहीं इस बार भी अधिकारियों के दावे हवा हवाई लग रहे हैं। दरअसल पिछले साल बाढ़ के भयावह स्थिति झेल चुके किसानों की चिंता फिर बढ़ गई है। करीब 11 महीने पहले आई बाढ़ का जख्म किसान अभी भूल नहीं पाए कि इस बार फिर तटबंध टूटने की आशंका उनमें डर पैदा कर गई है। किसानों को डर है कि इस बार भी अगर अधिक बारिश हुई तो प्रशासन के प्रबंध नाकाम साबित होंगे और किसानों को बाढ़ से जूझना पड़ सकता है। वहीं अब तक बेफिक्र बैठे अधिकारी सिर्फ 18 दिन में ही घग्गर नदी और रंगोई नाले में तटबंध मजबूत करने से लेकर ड्रोनों की सफाई तक का काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। बताते चले कि साल 2023 में 13 जुलाई को पंजाब घग्गर नदी का बांध टूटने से झाकल के गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। इसके बाद धीरे धीरे जिले के 124 गांवों के खेतों में जलभराव हो गया था। करीब 40 दिन तक जलभराव से जिले की आधी आबादी जूझती रही। हालांकि प्रशासन ने शहर व गांवों की आबादी में पानी नहीं आने दिया था। जाखल क्षेत्र से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी में पानी की क्षमता 22,000 क्यूसेक है। इससे ज्यादा जल प्रवाह होने पर नदी का पानी रंगोई नाले में भी छोड़ा जाता है। साध्वी दुष्कर्म मामले में कैद काट रहे सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से 21 दिनों की फरलो मांगी है। दरअसल राम रहीम ने कहा कि वह हरियाणा सरकार को इसकी अर्जी दे चुके हैं। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका पर SGPC सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि जुलाई में जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो एक्टिव चीफ जस्टिस की बेंच इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा सरकार ने बताया कि डेरा मुखी की अर्जी पर गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। बताते चले कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा के मुख्य गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में कैद हुई है।
अब हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार चंडीगढ़ समेत 5 राज्यों के लिए हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली है। आपको ये भी बता दें कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से उड़ानों को लेकर एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। वहीं अब हरियाणा के लोग हिसार एयरपोर्ट से अन्य प्रमुख शहरों के लिए फ्लाइट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ समेत 5 प्रदेशों के लिए अगस्त से उड़ान शुरू करने जा रही है। बताते चले कि अब प्रदेश के लोग जल्द ही हिसार एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान ले सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करने के सपने को हरियाणा में भी पूरा किया जाएगा। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रचंड गर्मी अब लोगों की जान पर आफत बन गई है। दरअसल प्रदेश में अगले 5 दिन तक लू चलने को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 14 जून को मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। जहां फिलहाल धूल भरी हवाएं चलने के साथ मौसम में बदलाव के साथ ही गर्मी तेजी से बढ़ रही है, वहीं आम आदमी बढ़े हुए तापमान से परेशान है। अब आने वाले दिनों में 15 से 19 जून तक गर्म हवाएं चलने के साथ मौसम खुश्क रहने की संभावना है। वहीं रात के तापमान में भी कमी नहीं आई है। इसी प्रकार 5 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम तेजी से बदला है। दिन के समय गर्मी बढ़ने के कारण तापमान दोबारा से 46 डिग्री को पार कर गया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।